हार्दिक बधाई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री संजय यादव को कोटा दक्षिण नगर निगम में सहवरित पार्षद मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी और कोटा जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी जी का हार्दिक आभार। शुभेच्छु समस्त शहर जिला कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण। कैंसर की जल्द जांच के लिए सरकार लाई 125 करोड़। कटारिया के बिगड़े बोल, बीजेपी नहीं होती तो राम जी समुद्र में होते। टोंक में महिला का शव ले जा रही एम्बुलेंस पानी में बही। मसूदा विधायक ने स्वीकृत किए विभिन्न सड़क निर्माण कार्य। गांव की सड़क को रौंद रहे सीमेंट फैक्ट्री के बाहुबली वाहन। किराना स्टोर के गोदाम में चोरी की वारदात। मृत शिशु जेके लॉन अस्पताल बना स्मैकचियों का अड्डा। विश्वविद्यालयों की फीस में राहत देने हेतु सौंपा ज्ञापन। सुल्तानपुरा में हुआ कार हादसा, 2 की मौत। नेशनल हाईवे पर पान की गुमटी में घुसा ट्रॉला। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कैंसर रोगियों की जल्द पहचान और ट्रीटमेंट शुरू हो सकेंगे। सीएम गहलोत के निर्देश पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को प्रिवेंटेड ऑन्कोलॉजी मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका शुभारंभ आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। इस वैन द्वारा कैंसर से संबंधित महत्वपूर्ण जांचें मौके पर ही हो जा सकेंगी। करीब 1.25 करोड़ लागत की यह वैन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लिमिटेड के CSR फंड से प्राप्त हुई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अब तक कोई प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट नहीं थी। इससे प्रिवेंटिव प्रोग्राम को बढ़ावा मिलने के साथ साथ कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने और मरीजों को घर घर तक जांच सुविधा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। ये वैन टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि इस वैन में मैमोग्राफी मशीन, DIEG एक्सरे, कोलोपोस्कोपी, PAP स्मियर तथा सिर और गर्दन के परीक्षण के लिए वीडियो एंडोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध होगी। भगवान श्री राम को लेकर नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया की टिप्पणी पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के जवाबी प्रहार के बाद अब एक बार फिर कटारिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ना मैं और ना ही मेरी पार्टी राम का अपमान करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। कटारिया ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनने में भी 70 साल लगे, आजादी के बाद भी इंतजार करते रहे तो पीड़ा तो होगी ही। भाजपा को राम का अपमान स्वीकार नहीं है। दरअसल बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने हाल ही में उदयपुर बाठेड़ा खुर्द में सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि अगर बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते। उन्होंने कहा कि सड़क नालियां तो और भी बन जाएंगी, देश नहीं बचा तो भगवान भी आपको कोसेंगे। कटारिया ने कहा कि अगर आप और मेरे बाप दादा ने तलवार नहीं उठाई होती तो आज हम जनेऊ पहनने लायक नहीं रह पाते। राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बारिश के कारण हुए 2 हादसों में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता हो गया है जिसकी तलाशी जारी है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार तड़के राजस्थान के टोंक जिले में एक महिला का शव लेकर जा रही एक एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। एम्बुलेंस में सवार महिला का 12 वर्षीय बेटे की इस दौरान पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके पति की तलाशी की जा रही है। सवाई माधोपुर जिले में इस तरह की अन्य घटना में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसे कार में सवार 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। टोंक जिले के बरौनी थाना अधिकारी दातार सिंह ने बताया कि जयपुर से गीता देवी उम्र 42 का शव लेकर टोंक जा रही थी। एक एम्बुलेंस सीरियस गांव के पास पानी के तेज बहाव में बह गई। उन्होंने बताया कि हादसे में मृतका के पुत्र की मौत हो गई है, जबकि पति की तलाश की जा रही है। एम्बुलेंस चालक और एक रिश्तेदार एम्बुलेंस की खिड़की तोड़कर छत पर आ गए, जिन्हें SDRF की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया।
अजमेर जिले के विकासशील विधानसभा क्षेत्र मसूदा के विधायक श्री राकेश जी पारिक द्वारा क्षेत्र के विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ने के लिए नवीन सड़क निर्माण कार्य स्वीकृति की गई है। मसूदा से हमारे शिव 24 संवाददाता इरफान अली देशवाली ने बताया कि विधायक महोदय ने क्षेत्र में 4 विभिन्न खंडों में सड़क निर्माण कार्य को स्वीकृति दी है, जिनमें खूंटिया गांव से गुजर बस्ती होते हुए लुडियाना गांव तक, बागसूरी से जेतपुरा तक, नासून प्याऊ से गोडा मोडक तक, सुबह भीलगी नींद से लेकर हिमता रूपरेला तक सड़क निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इस अवसर पर मसूदा प्रधान श्रीमती मीनू कंवर, सुरेंद्र सिंह राठौर जालिया सरपंच, आदित्य जी खेतावत, लोडियाना सरपंच सावरलाल जी शर्मा, उनके सहित ग्रामवासियों ने विधायक महोदय का आभार व्यक्त किया है। शुभ 24 न्यूज ऐसे प्रगतिशील जनप्रतिनिधियों की नई सोच को सलाम करता है। राजस्थान के हृदय अजमेर जिले का बहुचर्चित गाँव लोडियाना लगातार बढ़ती शिकायतों की वजह से प्रदेश की गहलोत सरकार के रडार पर आ गया है। हाल ही में हमारे क्षेत्रीय युवा पत्रकार और खोजी मनमौजी बाइक रिपोर्टर इरफान अली खान की निष्पक्ष और बेबाक ग्राउंड रिपोर्टिंग से अजमेर जिला कलेक्टर ने काफी प्रशंसा की थी। समस्याओं की बात करें तो गगनचुंबी अंबार लगा हुआ है। पेयजल और बिजली के बाद अब सड़क को लेकर एक नई समस्या ने जन्म ले लिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में नव निर्मित ब्यावर मसूदा लोडियाना विजयनगर रोड अपनी निम्न गुणवत्ता के चलते पहली बारिश में केसरपुरा गाँव के समीप उखड़ने लगी है, जो कि किसी भी समय अकाल आपदा के आमंत्रित करती हुई नजर आ रही है। गौरतलब है कि ब्यावर की श्री सीमेंट फैक्ट्री में आने जाने वाले विशाल का लोडिंग वाहन टोल टैक्स बचाने के चक्कर में बादनवाड़ा से ना होकर वाया लोडियाना गुजरते हैं। रात दिन के इस व्यस्त और भारी यातायात की वजह से गांव की सामान्य सी सड़क की कमर टूट जा रही है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि जल्दी इसे स्टेट हाईवे घोषित कर दिया जाए, साथ ही सड़क पर लोडियाना के नजदीक एक टोल प्लाजा भी शुरू किया जाए, ताकि सड़क मरम्मत एवं निर्माण में तय शासकीय गुणवत्ता मानकों की पालना सुनिश्चित की जा सके। इस बारे में जागरूक जनप्रतिनिधि मसूदा प्रधान श्रीमती मीनू कंवर, सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग से पत्र व्यवहार भी किया। शुभ 24 न्यूज श्री सीमेंट समूह से अपने सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत इस सड़क को गोद लेने के आग्रह करता है। अनंतपुरा थाना इलाके के सुभाष नगर खलचुरी मार्केट में अज्ञात चोरों ने देर रात एक किराना स्टोर के गोदाम का शटर तोड़कर दबिश दी और नकदी सहित लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। कोटा से हमारे शुभ 24 जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित गोदाम मालिक सत्यनारायण ने अनंतपुरा थाना पुलिस को शिकायत दी है। संभाग के सबसे बड़े मृतक शिशु जेके लॉन अस्पताल में स्मैकचियों का अड्डा बना हुआ है। स्मैकची आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता उमेश गोस्वामी ने बताया कि जेके लॉन अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने एक व्यक्ति को चोरी करने के प्रयास में रंगे हाथों पकड़ा है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत न्यायपुरा थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम विश्वविद्यालयों की फीस में राहत देने हेतु कोटा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता उमेश गोस्वामी ने बताया कि राजस्थान में हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में फीस के नाम पर जबरन वसूली का खेल चल रहा है। पिछले 2 वर्ष से ना कक्षाएं लगी और ना ही परीक्षाएं हुई हैं। फीस में राहत एवं परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग की है। दिगोद उपखंड में सुल्तानपुरा कस्बे के समीप धनबा गांव के पास एक कार संतुलन खोकर खराब में जा कूदी, जिससे कार सवार 5 युवकों में 2 युवकों की मौत हो गई। कोटा से हमारे शिव 24 संवाददाता सीपी शर्मा ने बताया कि वहीं 2 युवकों को मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जैसे तैसे कर बचा लिया, लेकिन एक युवक अभी भी कोई उसका पता नहीं चल पाया है। हादसे की सूचना मिलते ही सुल्तानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जाको राग साइया मार सके ना कोई, ये कहावत आज कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे पर साबित हुई। दरा मेन रोड पर कोटा की तरफ से झालावाड़ जा रहा एक ट्रोला 2 बाइक सवार को बचाने के चक्कर में मेन रोड पर स्थित पान की गुमटी में जा घुसा। कोटा से हमारे शुभ 24 संवाददाता उमेश गोस्वामी ने बताया कि अक्सर इस दुकान के बाहर कोटा से झालावाड़ जाने वाले लोग चाय पीने पीने के लिए रुकते हैं। गनीमत ये रही कि गुमटी के बाहर कोई ग्राहक नहीं खड़ा था। कोटा से हमारे शुभ 24 जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि कोटा शहर में 31 जुलाई तक 282.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अगस्त माह शुरू होते ही बारिश की झड़ी शुरू होनी चालू हो गई है। 1 अगस्त तक 45 मिलीमीटर बढ़कर 327 मिलीमीटर तक पहुंच गई है। 3 अगस्त तक सुबह 9 बजे तक 477.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बरसात के चलते हाड़ौती संभाग के कई नदी नाले उफान पर हैं। देवली अरब रोड पर बस्तियों में पानी भरा। पुलिस की सूचना पर लोगों को रेस्क्यू कर बोट की सहायता से बाहर निकालने का कार्य चल रहा है।